कोविड-19 को लेकर चल रहे लॉकडाउन के बीच प्रदेश सरकार द्वारा दी गई छूट का मंडी के इंदिरा मार्केट व्यापार मंडल के अध्यक्ष अशोक कुमार ने स्वागत किया है और प्रदेश सरकार का धन्यवाद किया है। साथ ही उन्होंने सरकार से इस समय के दौरान परिवहन सुविधा मुहैया करवाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि जब तक परिवहन सुविधा नहीं होगी, ग्राहक बाजार की ओर रुख नहीं करेगा और यदि ग्राहक मार्केट नहीं आएगा तो दुकानदार अपनी दुकान में बैठकर क्या करेगा। उन्होंने कहा कि बाहरी राज्यों से प्रदेश में आ रहे हिमाचल के लोगों को घर में बंद करने की बजाय राज्य की सीमा पर ही क्वारंटाइन करना चाहिए और ये इसकी मांग प्रदेश सरकार से करते हैं। मैं अशोक शर्मा, प्रधान इंदिरा मार्केट व्यापार मंडल। जो सरकार ने कल 2 घंटे की छूट दी है उसका वैसे मैं स्वागत करता हूँ। धीरे धीरे सरकार जो है ये ढील देती जा रही है जिससे सामान्य जनजीवन पटरी पर आना शुरू होगा, लेकिन मैं गुजारिश करूंगा सरकार से भी कि जैसे समय इसका बढ़ाया जा रहा है वैसे ही ट्रांसपोर्ट की कोई सुविधा चालू की जाए जिससे कि लोग घरों से निकल के, जिससे कि लोग कस्टमर बाज़ार में आ सके। बिना कस्टमर के बाज़ार खुल के भी कोई फ़ायदा नहीं है, और उससे तो अगर 2 बजे का टाइम भी था वो भी सफिशेंट था हमारे लिए। अब बिना कस्टमर के तो बाज़ार में दुकानें चाहे पूरा दिन खोल के रखेंगे कोई फ़ायदा ही नहीं उसका होने वाला है। उसके अलावा मैं ये कहना चाहूँगा जो जितने भी सरकार बाहर से बाहर के प्रदेशों से बच्चों को और लोगों को लेके आ रही है उनको बॉर्डर पे ही क्वारंटाइन किया जाना चाहिए ताकि इससे जो है लोकल लोगों को किसी प्रकार का खतरा ना रहे कोई भी।